आई पी, सॉरी इनपुट टाइप आई पी, इसके ऊपर हम एक इमेज टैग ले लेते हैं और इस इमेज टैग के हिसाब की पोर्शन को हम बाइंड करेंगे किससे, जो हमारे फील्ड्स ऑलरेडी बनी हुई है टीबीएल प्रोफाइल के अंदर, सही टीबीएल रजिस्ट्रेशन के अंदर, उसे बाइंड कर देंगे कि अगर हमने इमेज चूज की होगी तो वो इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी और अगर हम चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड हटा देते हैं क्योंकि ये कंपलसरी नहीं रखना है मुझे, और इमेज की हम हाइट ले लेंगे 200 पिक्सल और विड ले लेते हैं 180 पिक्सल। और जहाँ से मेरा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है इसी के अंदर हम पीएचपी का कोड चलाएंगे या फिर पहले हम इसका एक फंक्शन बना लेते हैं कंट्रोल्स कोड के अंदर इन्फो गेट का। अभी मेरे पास क्या मतलब बना था, रजिस्ट्रेशन लॉगिन और अपडेट का बना था, एक हम बना लेते हैं इन्फो को गेट कराने के लिए, इसका नाम दे देते हैं गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं सिर्फ ईमेल आईडी, जिसके भी आप रिकॉर्ड उठाएंगे, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ट्यूबल रजिस्ट्रेशन वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, और पासवर्ड को हम हटा देते हैं यहाँ से, या हम ईमेल नहीं, लॉग इन टाइम पे हम सेशन में क्या स्टोर कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी कर रहे थे, लॉग इन लॉगिन टाइम में सेशन आईडी रख देते हैं, तो सेशन आईडी के बिहाफ पर ही उठाएंगे, तो हम वहाँ पर ईमेल नहीं सेशन कर लेते हैं। सी वन के मेरे पास एक फंक्शन गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और इसके पैरामीटर मैंने बना लिया टी वो रजिस्ट्रेशन आईडी का, ओके और हमने कंडीशन पास की है सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टीबीएल रजिस्ट्रेशन वेयर रजिस्ट्रेशन आईडी इज इक्वल टू दिस, ओके। अब हम ये बनाया गया है कंट्रोल्स कोड, इस कंट्रोल्स कोड को अपने एक्शन पे कॉल करेंगे, साइड कंट्रोलर कहाँ है मेरा, ये रहा, और प्रोफाइल कहाँ है मेरी, ऊपर है, ये प्रोफाइल कंट्रोल्स कोड का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया गया है, इसी के ऊपर ये जो मेरा काम हो रहा है सबमिशन वाला, इसके ही ऊपर आ जाते हैं हम, यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं एक रिजल्ट के अंदर निकालेंगे, और फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पे हम पास कर लेंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और इसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन आईडी, ओके ठीक है, ये मेरा पास हो रहा है, देन रिजल्ट के अंदर सारी इनपुट की आ जाएगी जो भी सेलेक्ट हुई होगी, और चेक कर लेते हैं डॉलर रो इज इक्वल टू रिजल्ट फेच एसोस, मैंने बताया था लॉगिन टाइम पर फेच एसोस से हम वैल्यू को फेच कर लेंगे, एंड देन अब हम क्या करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें प्रोफाइल पे चाहिए वो सब हम यहाँ पे किसी वेरिएबल्स के अंदर निकाल लेंगे और फिर रेंडर के थ्रू हम वहाँ पे पास कर देंगे, जैसे कि हम लोगों ने लॉगिन टाइम पे मैसेज को पास किया था एक वेरिएबल में निकाल के, इसी तरह हम यहाँ पे सारी इन्फो को निकालेंगे। सिंपल निकालेंगे लिए उससे पहले ऊपर हम सारे वेरिएबल बना लें, हमें तो एक पिक्चर चाहिए थी, पिक्चर
और चलिए इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, बनाते रहेंगे। पिक्चर्स के अंदर हम निकाल लेते हैं डॉलर रो, इसके अंदर पड़ी होगी मेरी पिक्चर। ओके, ये मुझे पिक्चर निकाल के दे देगा और ये आ जाएगा मेरा पिक्चर्स के अंदर। एंड देन हम एरे बना लेते हैं और इस एरे के अंदर हम की ले लेते हैं पिक्चर नाम की, और इस की को असाइन कर लेते हैं डॉलर पिक्चर वेरिएबल से। ओके, अब इसकी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी और वो वहाँ पे पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, हमने जो वेरिएबल्स बनाए हैं वो सेम वेरिएबल बना लिया गया है जो मेरे सबमिशन में भी काम आ रहा है। तो एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है हमें। यहाँ पे लिख देते हैं शो, क्योंकि हम इसको शो करने के पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, इसको शो कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप का वेरिएबल है तो वैल्यू हो सकता है एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, ये तो मुझे पिक्चर्स दे देगा और हम इस पिक्चर्स जो मुझे मिलेगी उसको हम अपने इमेज पे शो करा लेंगे SRC के अंदर। SRC के अंदर यहाँ पर इक्वल, ओके। लेकिन हमें ये तो सिर्फ पिक्चर का नाम देगा, क्योंकि डेटाबेस के अंदर सिर्फ पिक्चर का नाम जाता है, पता है ना आप लोगों को। डेटाबेस के अंदर हम लोग सिर्फ पिक्चर्स का नाम रखते हैं, तो हमें यहाँ पे पाथ को भी साथ में सेट करना होगा। पाथ हम इसी के पहले ही सेट कर लेते हैं, /3, क्योंकि आप हैं ये जो मेरा पेज ओपन होता है, ये पेज आपका साइट कंट्रोलर्स के अंदर ओपन होता है, साइट कंट्रोलर के अंदर है, तो आपको यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर वेब के अंदर असिस्ट के अंदर आपका है पिक्चर नाम का फोल्डर। ओके, ये पाथ आपका पूरा आएगा, फिर उसके बाद आपकी इमेज का नाम आ जाएगा, तो ये इमेज का नाम हो सकता है आपका शो कर जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ की साइट कंट्रोलर पे जहाँ हमने प्रोफाइल का बनाया गया है एक्शन, यहाँ पर हम पहले सेशन को चेक करेंगे कि अगर मेरा सेशन डिस्ट्रॉय है तो हम उसको रीडायरेक्ट कर दें कहाँ पर, लॉगिन पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ इज सेट। यहाँ पे PHP में जब भी हमें कोई चीज़ चेक करनी होती है तो हम इस सेट की हेल्प से ही करते हैं, पोस्ट की वैल्यू, गेट की वैल्यू, सेशन की वैल्यू, कुकी की वैल्यू, हर किसी की वैल्यू को इसी के थ्रू हम लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन ID, ओके, अगर इस सेट है तो तुम ये सारे काम करना। यहाँ पे देखिएगा आप, इस सेट की बॉडी ये है ना, ये आपकी, यहाँ से मैं इसको अंदर कर देता हूँ, ये आपका इफ की बॉडी थी और ये आपकी दूसरा इफ है। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया, ये फिर इसके पास।
यहाँ पर हम डॉलर दिस रिस्पॉन्स, सॉरी चेक कर लेते हैं लॉग इन, अच्छा प्रपात मिशन देना होगा, लॉगिन करके हम अंदर चलते हैं। शो पिक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अनडिफाइंड वेरिएबल, शो पिक्चर्स आपका वेरिएबल बना है शो पिक्चर, नाम कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, सही है। ये एरर कहाँ पे आ रही है, अनडिफाइंड पिक्चर्स की 24 प्रोफाइल पीएचपी 24 पे आ रही है, 24 पे ये है शो पिक्चर। एक्चुअली ये की जो होती है, ये की वहाँ पर रिसीव होती है, मैंने इसको पिक्चर ही रखा था, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पर शो हो रही है। अगर हम यहाँ से पिक्चर्स को अपडेट करते हैं तुरंत, ये मेरी पिक्चर हो जानी चाहिए चेंज, देख लेते हैं। शो पिक्चर्स को की वैल्यू को हम यहाँ से भी असाइन कर लेते हैं, जब मेरा अपलोड हो जाए पिक्चर उसके बाद हम शो पिक्चर के अंदर इस नेम को अगेन पास कर दिया जाएगा। तब आपका तुरंत ही वर्क कर जाएगा। समझ में आया मैंने अब तक क्या किया? नहीं समझ आया? ये फंक्शन तो क्लियर हो गया होगा जो मैंने बनाया है, ठीक है, इनको गेट कराने के लिए ये तो क्लियर होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, साइट कंट्रोलर के अंदर जो हमारे पास एक्शन बना हुआ था प्रोफाइल का, ऑलरेडी हम इसको यूज कर रहे थे, उसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन मैंने किया है। सेशन तो समझ आ गया होगा कि मैंने सेशन को चेक किया कि अगर सेशन तुम्हारा डिस्ट्रॉय है तो मुझे भेजे पहले लॉगिन के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए होगी काम कराने के लिए, इस वजह से मैंने पहले सेशन को चेक कर लिया गया। एंड देन हम अंदर आएंगे, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ था पहले से ही क्लास का, उसी ऑब्जेक्ट के नीचे मैंने एक वेरिएबल बना लिया है शो पिक्चर नाम का,
और इस पिक्चर के अंदर हम वैल्यू को असाइन करेंगे जो भी डेटाबेस से मुझे मिलेगा, और उसको हम रेंडर के थ्रू भेज देंगे प्रोफाइल पे, ठीक है, जो कि हम लोग लॉगिन में काम कर चुके हैं, लॉगिन कंडीशन काम हो चुका हमारा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि एक रिजल्ट बनाया, और रिजल्ट के अंदर हम वो आउटपुट निकालें या वो रिस्पॉन्स को निकालें जो कि हमने कॉल किया गया था किसके थ्रू, ये कंट्रोल कोड जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसका के थ्रू हमने गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो मैंने यहाँ पे बनाया था उसको हमने कॉल किया यहाँ से, ठीक है, गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल, और इसको पैरामीटर मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी पास कर दी क्योंकि इसको रजिस्ट्रेशन आईडी की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन आईडी की रिक्वायरमेंट थी, इसी के बिहार पर मेरा रिकॉर्ड सेलेक्ट होकर आएगा, इसलिए हमने सेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन आईडी को पास कर दिया वहाँ पर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी पास करेंगे वो सारे रिजल्ट को निकाल के मुझे इसके अंदर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न भी किया है, देखिएगा यहाँ पर रिटर्न किया गया किसको, रिजल्ट को, और यही रिजल्ट जो है यहाँ से रिटर्न होकर आ जाएगा इसके अंदर, ओके, वहां से आ जाएगा इसके अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये इफ की कंडीशन लगाकर हम उसकी वैल्यू को गेट करके वेरिएबल के अंदर निकालिए शो पिक्चर के अंदर, और यही उसी वेरिएबल को हमने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है, शो पिक्चर में ये। अब यही शो पिक्चर जो है आपके प्रोफाइल पे मैंने एक्सेस कर लिया इस इमेज आपके टैग के अंदर, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हमारे पास सिर्फ पिक्चर्स के नेम थे इसलिए मैंने पाथ खुद डाला है यहाँ पर, ये सिंपल सा कोड था यहाँ पर इमेज के लिए, इसकी हाइट भी ज़्यादा बड़ी हो रही हो तो छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारा मशीन छोटा है। अब हम इस इमेज के नीचे आते हैं, हाँ एक चीज़ और कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने चूज फाइल को कंपलसरी नहीं रखा है, ये हम जो बना रहे हैं ये अपडेट के लिए बना रहे हैं कि जब भी कोई लॉगिन करके आएगा और वो यहाँ पर पहुँचेगा तो अपनी प्रोफाइल को चूज करेगा, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है वैलिडेशन के तौर पे, दो चीज़ ध्यान रखनी है, पहली चीज़ कि जब वो लॉगिन करके आएगा और उसके डेटाबेस में कोई इमेज नहीं है तो यही सी बात है यहाँ पर ब्लैंक शो होगा, तो ऐसी सिचुएशन पे कोई ना कोई डिफॉल्ट इमेज आनी चाहिए। आप देखते होंगे कि जब हम लोग जीमेल पे गूगल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो डिफॉल्ट इमेज आती है पहले, फिर जब हम ये चूज कर लेते हैं तो मेरी राइट इमेज आती है, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। तो डिफॉल्ट इमेज हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए दो ऑप्शन है कि आप साइट कंट्रोलर पे ही यहाँ पे आपने शो पिक्चर्स निकाल रहे हैं उसी टाइम आप चेक कर लीजिए, क्या चेक करिए, इफ ये जो है ये ब्लैंक है या इसके अंदर कोई वैल्यू है, ये चेक कर लीजिए, अगर ब्लैंक है यहाँ पे नॉट इक्वल लगा लीजिए, अगर नॉट इक्वल ब्लैंक यानी कि वो ब्लैंक नहीं है तब तो ठीक है, तब तुम चले जाओ अंदर, इल्स में अब यहाँ पे एक डिफॉल्ट इमेज पास करिए, डिफॉल्ट इमेज आपके पास होनी चाहिए, तो हम एक डिफॉल्ट इमेज निकाल लेते हैं, डिफॉल्ट इमेज ऐसी होनी चाहिए जो कि किसी फेस को रिप्रेजेंट ना करें, ये चलेगी, या हम इसको ले लेते हैं, वेब के अंदर असिस्ट के अंदर ही हम सारी इमेजेस को रखते हैं, यहाँ पर हम एक नई पिक्चर के अंदर ही रखेंगे, क्या है आपका जेपीजी, तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, डिफॉल्ट डॉट जेपीजी, ओके,
हम ये पास करेंगे। चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। हम लोग हेडर को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। चलिए अभी फिलहाल रहने देते हैं। हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे, एक नया रजिस्ट्रेशन करके चेक कर लेते हैं इसको। यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ट्रांसफर नहीं किया है क्या? ट्रिवियल रजिस्ट्रेशन के बाद हमने रेंडर किया है रजिस्ट्रेशन पर, तो रेंडर कर देते हैं हम प्रोफाइल पर। कुछ एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है? मिस्टेक, हमें रेंडर के पहले यहाँ पे भी सेशन बना लेना चाहिए। या आप रेंडर लॉगिन पे कर लीजिए, लॉगिन पे कर लीजिए। लॉगिन पर क्या एरर आ रही है? रिस्पॉन्स, रेंडर का प्रॉब्लम है। देखा दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन होती है मेरी कि लॉगिन, सॉरी, उसने वैल्यू को रजिस्ट्रेशन में कुछ सबमिट वगैरह नहीं किया है, तो उस टाइम भी हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स चाहिए होता है, और उसे सबमिट किया है तो भी रिस्पॉन्स चाहिए होता है, सबमिट किया तो भी रिस्पॉन्स चाहिए, तो फिर आपको रिडायरेक्ट लगाना पड़ेगा इस तरह से। अब सही है, प्रोफाइल पे आ रहे हैं। यहाँ पर हम चल के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड आ गए होंगे मेरे पास, मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरी चीज़ की रजिस्ट्रेशन आईडी मेरी ऑटो जनरेट हो रही है, और रजिस्ट्रेशन आईडी के बिहार पर हमें काम भी करना है। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन करके तुरंत जाएंगे प्रोफाइल पे, तो हमें सेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए होगी, तभी तो प्रोफाइल पे पहुँचेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहीं पर अगेन कंडीशन चलानी होगी। किसके लिए? इन्फो के लिए, जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अगेन हमें चलाना पड़ेगा फंक्शन गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को, और यहाँ पर हमें क्या पास करना था, नहीं इसको हम यहाँ पर नहीं चलाएंगे, रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, इसको हम यहीं पर चलाते हैं जहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है। यहीं पर हम अगेन से सेलेक्ट की क्वेरी चलाते हैं। तो हमें लास्ट रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लिमिट 1। ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को अब उल्टा करेगा, और फिर उसके बाद
हमें लास्ट रिकॉर्ड निकाल के देगा। इस लाइन में शायद आपको प्रॉब्लम होगी। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टीजीएल रजिस्ट्रेशन ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, किसको करना है, किसके अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन आईडी के अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन आईडी के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, पहले टेबल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसके बाद मैंने लिमिट वन लगाया है। लिमिट वन होता है फर्स्ट रिकॉर्ड निकालने के लिए। आप लोग यूज करते होंगे आपके बाकी लैंग वो डेटाबेस में, जैसे MySQL सर्वर हो गया या आपका एक्सेस हो गया, MS एक्सेस वगैरह, वहाँ पे टॉप वन चलता है। टॉप वन वो भी आगे चलता है, सेलेक्ट टॉप वन, फिर उसके बाद आपके फील्ड का नाम दे दीजिए फ्रॉम टेबल रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्या करेगा टॉप वन रिकॉर्ड में निकाल देगा। पर यहाँ पे MySQL के अंदर चलता है लिमिट वन। लिमिट वन क्या करता है, फर्स्ट रिकॉर्ड निकाल के देता है। तो हमें चाहिए लास्ट रिकॉर्ड। लास्ट रिकॉर्ड के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम टेबल्स को क्या करेंगे, उल्टा कर दिए, और किसके अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन आईडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आईडी मेरी यूनिक है, ये हमेशा नई नई जनरेट होती है, ठीक है। तो हम उल्टा करने के बाद फिर लास्ट का रिकॉर्ड लिमिट वन से निकालेंगे, ठीक है, और इसको हम पास कर दिए यहाँ पर रिटर्न करा के। अब हम अपने रजिस्ट्रेशन पे क्या करेंगे, हम एक्सेस कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो रिजल्ट के अंदर ये मुझे रिजल्ट ला के दे देगा। और हम फिर क्या करेंगे इसको चेक करके, समझ आया यहाँ पर मैंने क्या किया। जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन मेरा हो जाएगा कंप्लीट, और रजिस्ट्रेशन आईडी हमें चाहिए, तो हम दोबारा फिर से क्वेरी चलाएंगे। और क्या करेंगे, क्वेरी किस तरह से चलाएंगे, क्योंकि हमें लास्ट रिकॉर्ड चाहिए ना, हमें पता है ईमेल पासवर्ड हमें जबकि पता होने के बाद भी हम अपोज करके ही निकालेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि सेलेक्ट डिस्टिंग फ्रॉम ईमेल रजिस्ट्रेशन ऑर्डर बाय रजिस्ट्रेशन आईडी, डिसेंडिंग कर दिया, लिमिट वन निकालिए, फर्स्ट लास्ट वाला रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा, हम फिर उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद अपने जहाँ पर मेरे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था वहाँ पर हम अगेन से रिसीव कर लेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी को, और फिर हम रिडायरेक्ट कर देंगे प्रोफाइल पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी मुझे मिल गई, प्रोफाइल पे जाने के बाद वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी न्यू वाली जनरेट हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग मेरी इमेज आ जाएगी। एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसको हम अगेन से लॉग आउट का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से और प्रॉब्लम हो रही है। Find variable result. RESULT. ओके, ठीक है, देखिए मेरी डिफॉल्ट इमेज आ गई, हम प्रोफाइल पे आ भी गए।
फाइल अगर हम चेंज कर रहे हैं, ये भी चेंज हो रहा है प्रॉपर। ये तो समझ में आ गया होगा, कोई नया तो हम कोई चलाया नहीं है, नया कुछ किए नहीं है, बस कोशिश किया करिए ये समझने की कि क्वेरी वगैरह जो चल रही है वो किस तरीके से चलाई जा रही है। बाकी तो सिर्फ टेक्नोलॉजी होती है कि हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए, ये चीज़ यहाँ से उठ के आ जाना चाहिए, ये चीज़ यहाँ से उठ के आ जाना चाहिए, बस ये थिंग जो है ना ये मॉडिफाई होती रहती है, बाकी सब कुछ सेम होता है। सेलेक्ट क्वेरी तो कभी बदलेगी नहीं, वो तो हमेशा वही रहेगी। हाँ डिपेंड करता है कि हम सेलेक्ट क्वेरी चला कर रहे हैं, हमें वहाँ पर चाहिए तो वहाँ पर चला देंगे, हमें वहाँ पर चाहिए तो वहाँ पर चला देंगे, इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे चला सकते हैं। अपने प्रोफाइल के अंदर हम कुछ फील्ड इंक्रीज करने वाले थे, या तो मेरा कंप्लीट हो गया है, हम अंदर आते हैं, एक हम ले लेते हैं सेलेक्ट टैग स्टेट के लिए, इसका नाम दे देते हैं हम स्टेट, और इसकी एक आईडी ले लेते हैं, तो मुझे आईडी की ज़रूरत पड़ेगी स्टेट नाम की। अब इस सेलेक्ट टैग को हम रन टाइम पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्टेट आएंगे वो रन टाइम पे उठ के आएंगे, यहाँ पर हम स्टैटिकली बाइंड नहीं करेंगे। ओके, तो हम किस तरह से रन टाइम पर लेकर आएंगे, मेरे पास डेटाबेस के अंदर एक टेबल चाहिए होगी TVL स्टेट नाम की, और एक टेबल चाहिए होगी TVL सिटी नाम की। TVL स्टेट के अंदर हमें सारे स्टेट की लिस्ट रखनी होगी, और TVL सिटी के अंदर हमें TVL सिटी की लिस्ट रखनी होगी। हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, स्टेट मास्टर सिटी मास्टर, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट से वैल्यू उठाना ये आ जाए, और प्रोफाइल अपडेट करना, प्रोफाइल शो कराना, ये सारी चीज़ें अगर आपको आ जाएगी। और एक चीज़ हम आपको वो भी बता देंगे, कुछ अजेक्ट से अगर कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो विदाउट पेज रिफ्रेश किए मेरा काम हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो आपको फिर आप प्रोजेक्ट आराम से काम कर सकते हैं, वेब प्रोजेक्ट कोई भी होंगे आप हर जगह काम कर सकते हैं, प्रोफाइल को कैसे शो कराना है, प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है, और अगर आपको डिपेंडेंसी टॉप डाउन बनाना है, कास्केडिंग टॉप डाउन बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, प्लस अगर आपको अजेक्स के थ्रू कोई वैल्यू इंसर्ट करानी है और साथ में कोई डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें आ गई तो आप सब कुछ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। HTML टैग, वो किस पेज पे लिखा है, वो ये पूछ रहा हूँ। अच्छा,
करेक्टर कर देते हैं, मतलब एक प्रोफाइल भी मैंने लिखा है। चलिए मेरे पास दो टेबल्स हैं, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। एक मेरे पास है टीवीएल स्टेट, यहाँ पर देखिए मेरे पास लिस्ट आ गई, सारे स्टेट नेम की आ गई और एक स्टेट आईडी है, कंट्री आईडी भी है, पर हम कंट्री आईडी के भी आप पर नहीं उठा रहे हैं, तो कंट्री आईडी को आप रहने दीजिए। अब स्टेट नेम और स्टेट आईडी दो चीज़ हमें चाहिए थी, दो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एक और टेबल है सिटी की, उसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं हम। नॉर्मल सी टेबल बनी हुई है और इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट जो होता है वो एसक्यूएल फॉर्मेट में होता है। लेकिन वो फाइल जो आपने जो एक्सपोर्ट कर रहा है, हाँ, वो किस फॉर्मेट में है? एसक्यूएल फॉर्मेट में है, वो एक्सपोर्ट की हुई फाइल है, एसक्यूएल फॉर्मेट में है। अच्छा, एसक्यूएल फॉर्मेट में है। तो कैसे बाहर कैसे निकालते हैं? इजी है। हाँ, कैसे? अगर आप तो जैसे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं कोई डेटाबेस, उसको जैसे हम बाहर रखना चाहते हैं, हाँ, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे वो इसके फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होते हैं। ये आप देखिएगा यहाँ पर जो स्टेट और स्टेट के नेम है, तो स्टेट आईडी के बिहाफ पर हमें सिटी मिलेगा। तो जैसे ये है आपका यूपी का स्टेट आईडी जो है वो 119 होती है। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला किसका? अफगानिस्तान का। 29 ये स्टेट नेम है अफगानिस्तान का। तो सिटी के अंदर आइएगा, सिटी के अंदर 29 अफगानिस्तान, ठीक है, ये सिटी का नाम है। अफगानिस्तान स्टेट का भी नाम तो सिटी का नाम सेम है। तो हम रिकॉर्ड कैसे उठाते हैं? स्टेट आईडी के बिहाफ पर जहाँ जहाँ 29 होंगे वो सारे सिटी नेम मुझे ला के दे देगा। अभी यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल रखा हुआ है। आप यूपी के अंदर आइए, यूपी के अंदर आपको क्लियर जाएगा। यूपी का आईडी जो है अंदर जाकर मिलेगी, चलिए भी हम लोग को दिख जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इस सेलेक्ट के अंदर हम उसको बाइंड करेंगे, रन टाइम पे बाइंड करेंगे और ये प्रोफाइल के एक्शन के थ्रू होगा। तो प्रोफाइल एक्शन पे हम आते हैं। इस प्रोफाइल एक्शन के अंदर जहाँ पर हमारी ये क्वेरी चल रही थी पिक्चर्स की, इसके नीचे चला लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं,
गेट स्टेट नाम का कि पैरामीटर कुछ नहीं पास करना है, सेलेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम टीवीएल स्टेट वेयर कुछ नहीं पास करना है, ओके ठीक है, सेलेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम टीवीएल स्टेट मास्टर, टीवीएल स्टेट मास्टर ओके ठीक है, करेगा सारे स्टेट को निकाल के दे देगा। अब हम वापस से साइट पे आते हैं और यहाँ पर हम सारे स्टेट मिला के दे देगा, कंडीशन चला लेते हैं हम, इसी के ऊपर हम एक बाइंड स्टेट नाम का वेरिएबल बना देते हैं, ओके इतना समझ में आ गया। मैंने क्या किया, स्टेट को निकाल लिया रिजल्ट के अंदर और फिर हमने एक बाइंड स्टेट नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, गेट स्टेट जो है आपका ये फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ बनाया हुआ ना मैंने, इस फंक्शन यहाँ पे मैंने पास कर दिया गेट स्टेट। हम बाइंड स्टेट के अंदर हम यहाँ पर हमें डॉट इक्वल, क्योंकि हमें सब एज अ स्ट्रिंग ऐड करना है, यहाँ पे डिफॉल्ट में हम ले लेते हैं एक ऑप्शन ऑप्शन इस ऑप्शन के अंदर हम डाल लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है, ये टॉप पे आता है सेलेक्ट करने का ऑप्शन और इसकी वैल्यू को हम कर लेते हैं ब्लैंक, वैल्यू को हम कर लेते हैं ब्लैंक, ठीक है, डिफॉल्ट में मेरे पास क्या करते हैं एक दूसरा ऑप्शन पर आते हैं, और इसके इस पोर्शन पे हम पहले मैंने एक बाइंड स्टेट नाम का वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर डिफॉल्ट में मैंने एक ऑप्शन डाल दिया, कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो लिखे आता है सेलेक्ट करने का, ठीक है, डिफॉल्ट में डाल दिया गया है, और इसकी वैल्यू को मैंने ब्लैंक रखा है, वो इसे रखा है कि जब हम रिक्वायर्ड फील्ड यूज करते हैं, आप देखे होंगे कि अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं चूज किया है तो उस टाइम वो बोलेगा चूज करने के लिए, इसलिए हम जब रिक्वायर्ड लगाएंगे तो रिक्वायर्ड कंडीशन पे ये मेरा वैल्यू जो पोर्शन है ये हमेशा ब्लैंक होनी चाहिए, तभी रिक्वायर्ड काम करेगा, वैसे में कोई डाल देंगे तो रिक्वायर्ड काम नहीं करता है, ओके और इसके इस पोर्शन पे वैल्यू वाले पोर्शन पे हम इसकी वैल्यू को बाइंड करेंगे, यानी कि स्टेट आईडी को, स्टेट आईडी बाइंड करेंगे, एक पोर्शन में मैंने स्टेट नेम को बाइंड किया है, दूसरे पोर्शन में मैंने स्टेट आईडी को बाइंड किया है, और फिर इन सभी लोगों को मैंने इस वेरिएबल के अंदर डॉट लगा के डाला है, डॉट क्या करेगा ऐड करता चला जाएगा जितनी बार मेरा लूप, यहाँ पे मुझे वाइल करना पड़ेगा इफ नहीं, वाइल करना पड़ेगा, तो जितनी बार लूप मेरा चलेगा जितने रिकॉर्ड होंगे टोटल रिकॉर्ड क्या होंगे ऐड होते चले जाएंगे, फिर जब ये मेरे पास कलेक्शन तैयार हो गया बाइंड स्टेट का, अब इसको हम पास कर देते हैं अपनी प्रोफाइल पे, एक दूसरी की बना लेते हैं बाइंड स्टेट नाम की, और इस की में हम इस वैल्यू को असाइन कर लेते हैं, ठीक है, और अब इस बाइंड को हम प्रोफाइल पे जाकर सेलेक्ट के अंदर रख लेते हैं, ठीक है,
पहला ऑप्शन जो मैंने दिया था सेलेक्ट का वो आ गया। अब इसके अंदर सारे स्टेट उठ के आ गए, ठीक है। ये कैसे हुआ, पहले तो मैंने जो सेलेक्ट का ऑप्शन दिया था डिफॉल्ट में, ये सेलेक्ट का ऑप्शन मैंने डिफॉल्ट में इसीलिए लिया था ताकि फर्स्ट आइटम जो है आपका वो ये आए। एंड देन हमने अगेन ऑप्शन जो बनाया है उसके अंदर हम स्टेट आईडी स्टेट नेम, तो वैल्यू वाले फील्ड में स्टेट आईडी और नेम वाले फील्ड में स्टेट नेम के थ्रू हम इस बाइंड को सारे स्टेट नेम से बाइंड कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको पास कर दिए, प्रोफाइल को शो करा दिए। यहाँ पर देखिएगा आप इसको इंस्पेक्ट करके, तो आईडी जो सर ऑप्शन में पास करते हैं सारा आईडी नेम के थ्रू पास करेंगे हाँ, वो हम आईडी को देखिए यहाँ पे जो आईडी पास की गई है इसी आईडी के बिहार पर मेरा सिटी उठ के आएगा। हाँ स्टेट जो मेरे पास सिटी बनी हुई है, सिटी में क्या है ना कि वो स्टेट की आईडी पड़ी हुई है, स्टेट की आईडी के बिहार पर सिटी उठ के आता है। जैसे हम यहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, ये आपका ऑर्डर वाइज नहीं है, यहाँ पे ऑर्डरिंग डाल दीजिए ताकि ऑर्डर वाइज आए। ऑर्डर बाई स्टेट नेम, ठीक है, ये आपका ऑर्डरिंग में आएगा। यहाँ पे यूपी आपका ये है उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश की आईडी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की आईडी क्या है 202, तो 202 आईडी पर ही सारी सिटी लिस्ट पड़ी होंगी। अब सिटी लिस्ट में आइएगा 202 तक पहुंचने के लिए हमें रिकॉर्ड बढ़ाना होगा, ये भी 69 202, जितनी 202 दिख रही है इन सभी 202 के अंदर देखिएगा सारे यूपी के सिटीज़ होंगी, जितनी सिटीज़ देख रही हैं आप सब यूपी की होंगी, ये सब यूपी की हैं। यहाँ पर देखिए मेरठ वगैरह भी है। 202 ये स्टेट आईडी है, स्टेट आईडी के बिहाफ पर यहाँ पे सारी सिटीज़ रखी गई हैं, यानी वो जो 202 यहाँ पे पास किया गया है और उस पर सारी सिटी लिस्ट रखी गई। तो जब हम सिटी लिस्ट जब गेट करेंगे तो हमें स्टेट लिस्ट चाहिए होगी, सारी स्टेट आईडी चाहिए होगी, उसी स्टेट आईडी के बिहार पर हम सिटी लिस्ट निकालेंगे। अब हमें क्या करना है कि हम जैसे ही चूज करें स्टेट यूपी वैसे ही सारी स्टेट यूपी की सिटी ओपन होकर आ जाए नीचे वाले एक सेलेक्ट ऑप्शन में। तो हम प्रोफाइल के अंदर आते हैं, सेलेक्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं, इसका नाम कर देते हैं सिटी और यहाँ पर हम कर लेते हैं सिटी, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं।
यहाँ पे करते हैं हम पहले अजेक्स के थ्रू कॉल करने के लिए, अभी आप लोगों ने अजेक्स पढ़ा नहीं होगा तो हम दिखा देते हैं अजेक्स के थ्रू कॉल कैसे किया जाता है। तो हमें इसके लिए जेक्वेरी की लाइब्रेरी चाहिए होगी, तो यहाँ पे जेक्वेरी की लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं, या फिर हम जेक्वेरी की लाइब्रेरी ऑलरेडी हो सकता है शायद ऐड होगी मेन पर, मेन पर जेक्वेरी की लाइब्रेरी यहाँ पे कोड चलाते हैं, अगर होगी तो पता चल जाएगा मुझे। देखिए यहाँ पे भी जो स्टेट ओपन होके आ रहा है आपका ये स्टेट, अब यहाँ पे जो हम स्टेट चूज करेंगे उस स्टेट के बराबर हमें सिटी चाहिए होगी। तो अब हमें यहाँ पर सिटी उठाने के लिए हमें अजेक्स का कोड चलाना पड़ेगा, कि अजेक्स आप देखते होंगे कि जब हम स्टेट चूज करते हैं सिटी खोल के आते हैं उसका पेज रिफ्रेश नहीं होता है, रिफ्रेश नहीं होता पेज, तो हम ये काम बिना अजेक्स का भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ पेज रिफ्रेश हो जाया करेगा, तो हमें रिफ्रेश करना नहीं है, तब हम अजेक्स का यूज़ करेंगे और इसके चेंज इवेंट को कॉल करेंगे। चेंज इवेंट को कॉल करके उस पर हम अजेक्स लगाएंगे, तो जैसे ही चेंज होगा तुरंत जाएगा अजेक्स से डेटा निकाल के लेकर आएगा और यहाँ पर शो करा देगा। लाइब्रेरी कनेक्ट है या नहीं, नहीं है लाइब्रेरी, तो मुझे पहले लाइब्रेरी चाहिए होगी। ऐड कर लेते हैं हमें चाहिए चेंज इवेंट, किसका स्टेट का, मैंने स्टेट क्या डी ले रखी थी स्टेट का चेंज इवेंट। स्टेट के चेंज इवेंट पे हम अजय का कोड चलाएंगे, तो अजय का कोड आप यहीं पे ही चला सकते हैं, डॉलर Ajax function चलता है, इसके अंदर पहला पैरामीटर होता है आपका टाइप कॉमा, इसमें आप बता दीजिएगा Ajax किसके थ्रू लेके जाना है, पोस्ट हो गया। दूसरा आपका यू आर एल आपको बताना पड़ेगा कि आपको लेकर जाना कहाँ पर है। तो हमारे पास कंट्रोल कोड जो बना हुआ है ये कंट्रोल कोड यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगा, एरर आ जाएगी, एक्चुअली कंट्रोल कोड हम अजेक्स में यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे हम मॉडल को
एक्सटेंड किए हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली तो साइड कंट्रोलर पे चलेगा अच्छे से, लेकिन आईजीएस के थ्रू नहीं चल पाएगा। तो हमें एक दूसरा बनाना पड़ेगा कंट्रोल कोड जिसपे हम मॉडल को एक्सेस नहीं कराएंगे। तो मॉडल के अंदर ही हम बनाएंगे और इसी कंट्रोल कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम कर देते हैं एक्सटर्नल, ताकि एक्सटर्नली जब भी हमें कभी ज़रूरत होगी कोई कोड की तो वो कोड हम इस पर रखेंगे। ऑर्डर बाई सिटी नेम, और यहाँ पे पैरामीटर में हमें स्टेट आईडी चाहिए होगी, स्टेट आईडी, और इसी स्टेट आईडी को हम पास करेंगे। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे क्लास बन जा रही है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। अगर आप क्लास को यूज के थ्रू यूज कर रहे हैं तब तो आप यहाँ पे वो लगाएंगे पैरेंथेसिस, लेकिन अगर क्लास को आप एज अ यूज नहीं एज अ इंक्लूड या उसी पे बना रहे हैं तब तो आप डायरेक्ट बनाएंगे। अगर हम क्लास को एज अ यूज करके यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने साइड कंट्रोलर में किया था यूज करते हैं, तब तो हम क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस देते हैं, ठीक है। और अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड करके कर रहे हैं या उसी क्लास पर ही हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तब हम इस तरह से बनाते हैं बिना पैरेंथेसिस के। अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा इफ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, अब यहाँ पे रुक जाते हैं, पहले वो काम कंप्लीट कर लें, वो काम अधूरा है। यहाँ पे हमें उसका पाथ देना होगा, पाथ हमारा होगा मॉडल्स के अंदर है, मॉडल के अंदर कंट्रोल कोड डॉट php, ये आपका पाथ हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट बनाएंगे सक्सेस, कि अगर जब हम सक्सेस हो जाएं उस टाइम आपको अगर कोई एक्शन कराना है, यहाँ पे एक फंक्शन ले लीजिए और इस फंक्शन के अंदर आप उसका रिजल्ट रखिएगा, ठीक है। ये था मेरा कंप्लीटली एजेस। अब अगर हम यहाँ पे हैं और एक और पोर्शन ले लेते हैं डेटा का, क्या हुआ यही है। इसके अंदर हमें स्टेट आईडी पास करना है, स्टेट आईडी को इस तरह से लेंगे, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलन और स्टेट आईडी को देंगे। स्टेट आईडी हम निकाल लेते हैं किसी वेरिएबल में, वेयर स्टेट आईडी इज इक्वल टू डॉट वेयर, इसी तरह निकालेंगे हम, ठीक है। ये तो मेरे स्टेट आईडी निकाल के दे देगा, जो भी हम चूज किए होंगे ऑप्शन का वो आईडी मुझे मिल जाएगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने चूज कर लिया, जो भी हम चूज करेंगे यहाँ पर वो आईडी ये निकाल के दे दिया करेगा, ठीक है। वो आईडी इसमें आ जाएगी और हम इसको अब यहाँ पे पास कर लेते हैं। ये होता है वेरिएबल को पास करने का तरीका एजेस में,
और एक हम की बना लेते हैं जो कि हम वहाँ पे चेक करेंगे, अगर वो सेट है तब हम कोड को चलाएंगे। जैसे नहीं करते बटन पे सबमिट करते हैं तो वहाँ पे चेक करते हैं बटन उसने सबमिट किया है या नहीं किया है, तो इसी तरह यहाँ पे एक की बना लेते हैं क्योंकि स्टेट आईडी एक यूनिक नेम है, वो हर जगह यूज़ हो सकता है, तो उसके भी आप हम काम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक की बना लेते हैं गेट सिटी नाम का, ठीक है, और इसको इंस्टाइज कर लेते हैं किसी भी चीज़ से, इंस्टाइज कर लीजिए वन से या फिर आप नॉर्मली कोई स्ट्रिंग से, ठीक है, कुछ भी टाइप कर लीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, मतलब जिस सेट कर लेना है ताकि उसको पता चले कि हाँ इसे कुछ असाइन किया गया है, ठीक है। अब इस गेट की को हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक, अगर उसने इस सेट किया है, ठीक है, अजैक्स ना सेम फॉर्म जैसा ही बिहेव करता है, जैसे फॉर्म हम लोग सबमिट कराते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, ये मेरा पाथ हो गया जहाँ पे हम लोग एक्शन देते हैं फॉर्म का, तो वो एक्शन हो गया, और ये हमें टाइप देते हैं वहाँ पर मेथड, यहाँ पे हो गया टाइप, और यहाँ पे क्या है वहाँ पे वेरिएबल जो सर ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होती थी डायरेक्ट नेम के थ्रू सबमिट होती थी, पर यहाँ पे कुछ अलग होता है, यहाँ पे डेटा लगा के फिर हम लोग इस तरह से सबमिट कराते हैं, अलग से वैल्यू सारी निकाल के फिर इस तरह से भेज देते हैं, ठीक है। और फिर अगर सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट कराना है वो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी हम अलर्ट रख लेते हैं, अगर सक्सेस होगा तो ये अलर्ट काम करेगा। ये आपका हो गया, एंड देन सेम स्टेट वाला कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो साइड कंट्रोलर पे मैंने बनाया था, स्टेट का कोड था पूरा ये वाला, सेम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, बस यहाँ पे गेट सिटी हो जाएगा और सिटी आईडी वहाँ से, सॉरी स्टेट आईडी वहाँ से उठ के आ ही रही है पोस्ट में, किसके थ्रू, सिटी आईडी, सॉरी स्टेट आईडी से, ठीक है, ये स्टेट आईडी वही आईडी होगी जो हमने यहाँ पर पास किया है ये वाला, ठीक है, ये स्टेट आईडी को हम यहाँ पे निकाल लेंगे और गेट सिटी में भेज देंगे, गेट सिटी ऊपर बना हुआ है, ये रिजल्ट के अंदर लेके आएगा और यहाँ पे हम बाइंड सिटी कर लेते हैं, बाइंड सिटी, ये ऑप्शन वैसे ही रहेगा सिलेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा सिटी आईडी, यहाँ पे आ जाएगा सिटी नेम, ठीक है, सिटी नेम आ गया, ये कंप्लीट कर देगा बाइंड सिटी को, बाइंड सिटी जब कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पे इको करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें रिटर्न करना होता है, सॉरी रेंडर के थ्रू हम पास करते थे, पर यहाँ पे आप इको कर लीजिएगा, जो भी चीज़ हम यहाँ से इको करते हैं वो उसको एज अ रिजल्ट पे मिल जाता है। प्रोफाइल पे आइएगा, यहाँ पे कोई भी की पास कर लीजिएगा, इसी के अंदर वो आ जाएगा, मैं देता हूँ रिजल्ट, ठीक है, इस रिजल्ट के अंदर वहाँ पे जो भी चीज़ हम पास किए होंगे इस रिजल्ट के अंदर उठ के आ जाएगा, और जो भी चीज़ हम वहाँ से पास किए थे इको किए होंगे, यहाँ से जो भी चीज़ इको करते हैं वो चीज़ उठ के उसके अंदर चली जाती है, ये होता है मेरा अजैक्स। काम नहीं कर रहा है मेरा, एक चेक करते हैं, पहले तो चेक करते हैं सेलेक्ट चेंज इवेंट काम कर रहा है या नहीं, ये काम कर रहा है। अब हम चलते हैं अंदर, ये चेक कर लेते हैं वैल्यू आ रही प्रॉपर, ठीक है ना, यहाँ पे एरर शो तो होती नहीं है, इसे हमें अलर्ट के थ्रू चेक करना पड़ेगा। ओके, वैल्यू प्रॉपर आ रही है, अंदर लगाते हैं अजैक्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है, यहाँ पे डॉलर डॉट होता है, सॉरी आ गई, ओके, ठीक है, यानी कि हम अंदर आ गए, मेरा अलर्ट काम कर रहा था, अलर्ट के अंदर हम चाहे तो इस रिजल्ट को शो करा सकते हैं चेक करने के लिए। मेरे पास आ रहा है, कुछ एरर आ रही है क्या, लाइन 31 पे कोई एरर आ रही है, लाइन 31 पे यहाँ पर एरर क्या है, क्या, ओ कंट्रोल कोड एक्सटर्नल हो गया यहाँ पर, कोड मेरा प्रॉपर हो गया। अब हम क्या करते हैं,
कि इसका रिजल्ट जो है वो हमें डालना कहाँ पर है, इस सिटी के अंदर। तो इस सिटी को हम कॉल करेंगे यहाँ पर डॉलर सिटी के HTML में, HTML में हम डाल देंगे इस रिजल्ट, ठीक है। क्या करेगा ये जो चूज करेंगे वो नीचे आ गया। जो स्टेट चूज करेंगे उस स्टेट की सारी सिटी खुल के आ जाएगी। यहाँ पे देखिए पेज रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ उसकी सारी सिटी लिस्ट आ गई। तो इसी तरह से हम यूज करते हैं आइडिया। ओके बस करें।